अस्सलामुअलैकुम हेल्थ इज़ वेल्थ में आपके साथ निदा खान। और जैसा कि आप जानते हैं कि 11 मार्च वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है और ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि किडनी डे जो हम लोग मनाते हैं तो इसमें क्या क्या हम लोगों को इसका मतलब किडनी की किस तरह हम लोग ख्याल रखें। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर फ़हीम अहमद साहब और हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्राइम कैनेडा टीवी देखने वाले कैनेडा में और दुनिया भर में तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। यकीनन 11 मार्च को जब ये प्रोग्राम हमारा ऑन एयर होगा उससे एक या दो दिन के बाद दुनिया भर में गुर्दे की सेहत के हवाले से आलमी दिन सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी बड़ी अहमियत है जो आपने एक बात की। मैं एक फिगर बताऊँ कि जो दुनिया की आबादी है टोटल आबादी जी, जी। उसका 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन दे आर सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज़ और इनमें से लाखों लोग मौत का शिकार होते हैं गुर्दे की बीमारी की वजह से। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह यह है कि दे डोंट हैव द एफोर्डेबल एक्सेस, यानी कि उस गुर्दे की बीमारी के लिए इलाज के लिए उनके पास मौके नहीं हैं। अच्छा। और ये जो वर्ल्ड किडनी डे है ये ग्लोबल कैंपेन है, पूरी दुनिया में कनाडा समेत पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि लोगों में ये आगही डेवलप किया जाए, लोगों में ये तालीम डेवलप की जाए। ये जो इंसानी गुर्दा है ये बेसिकली हमारे जिस्म में एक केमिकल फैक्ट्री है और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इस साल 2021 जिसमें हम इस वक्त दाखिल हो चुके हैं जो वर्ल्ड किडनी डे इसका जो थीम है जो इसका स्लोगन है वो ये है किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर, हर किसी के लिए हर जगह, और लिविंग वेल विद द किडनी डिजीज़, यानी कि किडनी की बीमारी के साथ हमें सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है। ये है बेसिकली स्लोगन। लेकिन इस स्लोगन को हासिल कैसे करें? हम ये कह रहे हैं ना किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर लिविंग वेल विद द किडनी डिजीज़। इसको हासिल करने के लिए यकीनन कोई पॉलिसी, कोई टूल्स, को ऐसी चीज़ें होंगी जिसके ज़रिए इस स्लोगन को हम हासिल कर सकें। इसके लिए चंद चीज़ें हैं जो यकीनन दुनिया भर में WHO और दुनिया की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंक्लूडिंग द हेल्थ कनाडा वो चंद चीज़ों पे बहुत जोर देती है। वो चीज़ें क्या हैं इसका समझना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि गुर्दा क्या है, किडनी क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो ये कि जो ये जो थीम है एवरीवेयर एवरीवन लिविंग वेल विद द किडनी डिजीज़ जो स्लोगन है, इसको हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि लोगों को एजुकेट किया जाए। एजुकेट से मुराद ये है कि गुर्दे की सेहत के बारे में, उसके रिस्क फैक्टर में लोगों में आगही क्रिएट किया जाए, क्रिएट अवेयरनेस। उसके बाद लोगों में ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो डायबिटिक पेशेंट हैं या जो हाइपरटेंसिव टेस्ट पेशेंट हैं जो गुर्दे ख़राब होने की सबसे दो बड़ी वजह है, एक हाई ब्लड प्रेशर है और एक डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ कमर जिसको कहते हैं, शुगर की बीमारी जिसको कहते हैं, इसके मुतालिक स्क्रीनिंग टेस्ट हो और लोगों में ये बात आम की जाए और ख़ास तौर पर मेडिकल प्रोफेशन के लोगों में भी कि जो पेशेंट उनके पास आते हैं वो क्या डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, वो कौन सी ऐसी अलामत है जो अगर पेशेंट में जाहिर हो इनिशियली अर्ली डायग्नोसिस, ताकि लोगों को ये बात बताई जा सके कि यू आर सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज़ और उसको वो प्रिवेंट कर सकें और उसको रोक सकें ताकि गुर्दा जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकारा ना हो। तो ये जो आपने कही कि इसकी क्या अहमियत है, इसकी बहुत अहमियत है कि गुर्दे से अपने आप को बताते हो। मुझे इस वक्त एक कैनेडियन स्टैटिक्स याद आ रहा है मैं बता बल्कि शेयर करूँ कि कैनेडा में हर 10 में से एक शख्स जो है ही सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज। हर 10 में से 1 in 10, हर 10 में से एक शख्स, और तकरीबन 4 मिलियन के करीब लोग जो हैं ये किडनी डिजीज़ के सफ़रर हैं। इसके अलावा जो 2018-19 का एक स्टैटिक्स एक फिगर है उसके मुताबिक जो कनाडा के 10 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हैं जो मरने की वजह कॉज ऑफ डेथ, उनमें से क्रॉनिक किडनी फेल्योर या क्रॉनिक डिजीज़ ऑफ लीवर वो शामिल है। और एक और बहुत दिलचस्प बताऊँ, दुनिया में जिस तरह मैंने बताया दो बीमारी है, एक डायबिटीज़ है और एक हाइपरटेंसिव है, लेकिन कनाडा में जो क्रॉनिक लीवर फेल्योर या जो लोग जिनका ESRD या एंड स्टेज यूरिनरी डिजीज जो पहुँचते हैं उसकी बुनियादी वजह पता क्या है कनाडा में? कनाडा में वजह है डायबिटिक,
डायबिटिक की वजह से होता है। और एक और फिगर मैं बताता चलूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये 2010 से लेकर 2019-20 तक का एक फिगर है कि वो लोग जो डायलिसिस में गुर्दा खराब हुआ जी, उन्होंने केयर नहीं किया और एंड स्टेज क्या हुआ कि उनका गुर्दा मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया, रिनल फेल्योर में चले गए, जिसको एंड स्टेज रिनल डिजीज कहते हैं। ऐसे लोगों में 25.7% यानी 25.7% इन 8-10 सालों में इजाफा हुआ है। तो इसलिए इस गुर्दे की सेहत और किडनी, वर्ल्ड किडनी डे की बड़ी इंपॉर्टेंस, इसको अहमियत देने की ज़रूरत है। सही सही। अरे डॉक्टर साहब ये बताएं कि गुर्दे को सेहतमंद रखना क्यों ज़रूरी है? ये मोबाइल फ़ोन है जी, इसकी हम हिफाजत क्यों करते हैं? मुझे पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके फंक्शंस क्या है। मैं हर दूसरे प्रोग्राम में मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसकी वजह मैं बताऊँ क्या है कि जब तक हमें ये ना पता चले ये जो गुर्दा है जी, इसका फंक्शन क्या है, सही, तो हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं होगा। कहेंगे टेकन एज ग्रांटेड, ऐसा नहीं है। हम में से हर शख्स जानता है जो गुर्दा है इसका जो फंक्शन है बेसिकली एस्क्रेटिव फंक्शन है, यानी कि ये हमारे जिस्म से एक्स्ट्रा वाटर पानी, यानी कि एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, और ना कि पानी का अखराज, और उसके साथ साथ जिस्म में जो फासिल मादा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो टॉक्सिन है, उसको ये जिस्म से बाहर निकालता है। अच्छा। ये है गुर्दे का मेन काम, यानी कि जो बॉडी फ्लूड है हमारे जिस्म में, इसको क्या करता है, ये रेगुलेट करता है बॉडी से जो टॉक्सिन है, वेस्ट प्रोडक्ट है, जो बाई प्रोडक्ट्स है, इसको फिल्टर आउट करता है और इसको यूरिन के जरिए बाहर निकाल। अच्छा, गुर्दे का फंक्शन सिर्फ ये नहीं है कि यूरिन का आना, बल्कि क्वालिटी यूरिन का आना। क्वालिटी यूरिन से मुराद ये है कि यूरिन अपने साथ, जब हम यूरिन पास करते हैं, सब सिर्फ वाटर एक्सक्रीट नहीं हो रहा होता है, बल्कि इसके साथ हमारे बॉडी में जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, अमोनिया है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, अगर ये जिस्म से खारिज ना हो तो ये क्या होगा, हमारे ब्लड में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। ब्लड में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और इसके अपने बहुत सारे मुज़र असरात हैं। इसके अलावा ये जो एक मैंने बात बताया कि बॉडी के फ्लूइड को ये रेगुलेट करता है, उसके अलावा कुछ ये ऐसी चीज़ों को, हार्मोन्स को डेवलप करता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। अच्छा। ये एक ऐसा हार्मोन बनाता है जो हमारे ब्लड में एक सेल है जिसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, RBC, इसके प्रोडक्शन में काम आता है। ये विटामिन डी के प्रोडक्शन को एक्टिवेट करता है जिसके वजह से हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। ये ब्लड में कुछ मिनरल्स हैं इसको मेंटेन करता है, लाइक सोडियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इसको मेंटेन करता है, और इसके अलावा ये जो एसिड बेस बैलेंस है इसको भी ये रेगुलेट करता है। तो गुर्दे के तो फंक्शन बहुत सारे हैं, मैंने जिन चीज़ों का जिक्र किया, अगर ये फंक्शन गुर्दा ना करे, किडनी अगर हमारा फेल्योर की तरफ हो जाए या उसके फंक्शन की जो एफिकेसी है वो कम हो जाए, तो ये फंक्शन नहीं करेगा। और इसके फंक्शन के ना होने की वजह से जो मुज़र असरात, जो चीज़ें हमारे जिस्म पर रुनुमा होंगी, वो बहुत डेंजरस है, इसलिए इसका जानना बहुत ज़रूरी है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि गुर्दा जैसे ख़राब होने की क्या अलामतें, जैसे हमें पता चले गुर्दा ख़राब हो रहा है तो उसमें क्या अलामतें? देखें, इसको हम नॉर्मली वार्निंग साइंस या अलार्मिंग साइंस ऑफ किडनी फेल्योर कहते हैं। अच्छा। या रिनल फेल्योर कहते जी। हैं। बहुत ज़रूरी है इस बात को समझें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, निज़ाम मैं आपको बताऊँ कि ये किडनी है, ऐसा नहीं होता कि 2-4% ख़राब हुआ और अलामत आनी शुरू हो जाए। आम तौर पे किडनी जो है 50% तक ख़राब हो जाए तो पता ही नहीं चलता ये शख्स जो हमारे सामने बात कर रहा है, हमसे गुफ्तगू कर रहा है, इसका गुर्दा 40-50% तक ख़राब हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली आम तौर पे अलामत ज़ाहिर नहीं होती। अच्छा। इसलिए कोई भी अलामत नज़र आए आपकी बॉडी में, तो उसको फौरी तौर पे एड्रेस करने की ज़रूरत है और अपने डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने फंक्शन की बात की, फंक्शन को अगर आप जहन पे रखेंगे तो अलामत सामने आएगा। अगर किडनी फेल्योर की तरफ जा रहा है, आमतौर पर जो पहला सिम्टम नज़र आता है वो क्या है, आँख के नीचे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों में पफिनेस आ जाता है, आँखों के
नीचे सूजन गोल खास तौर पे ये पफिनेस बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा, है अच्छा। जो अच्छा उसके अलावा पैरों में या एंकल जॉइंट के नीचे सूजन नजर आनी शुरू हो जाती अच्छा। है आपने ये भी महसूस किया होगा जिनका गुर्दा फेल हो रहा हो उनके पैरों में बड़ी सूजन होती है पफिनेस ऑफ द आई। उसके अलावा जो यूरिनेशन है यानी जो यूरिन करने की जो फ्रिक्वेंसी है इसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। ब्रेथलेसनेस क्योंकि गुर्दे का काम क्या है पानी को बाहर निकालना। अगर गुर्दा सही काम नहीं कर रहा है यानी कि क्या हो रहा है पानी क्या हो रहा है जिस्म में मौजूद है जब वो जिस्म में मौजूद होता है वो कहाँ जाता है लंग्स फील्ड में जाता तो फिर सांस लेने में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसके अलावा भूख में कमी आती है मसल्स क्रैम्प पड़ने शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है नौजिया वोमिटिंग यानी मतली की कैफियत उल्टी की कैफियत यूरिन जो है उसकी क्वालिटी फोम कलर का फोमी यूरिन आता है डार्क येलो कलर का यूरिन आ रहा होता है। एक और बहुत चीज़ जो अमूमन डॉक्टर्स करवाते हैं वो है लैब की में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं यकीनन आपका डॉक्टर जो है ख़ास तौर पे वो मेरे देखने वाले और सुनने वाले जिनकी एज 55-60 है वो रूटीन चेकअप के लिए जब डॉक्टर आपको बुलाता है और आप किडनी टेस्ट करवाते हैं तो उसमें डॉक्टर यकीनन कुछ चीज़ें करवाता है जो बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि सबसे पहले तो ये कि आप अपने ब्लड प्रेशर को और शुगर को मेंटेन रखें। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो डॉक्टर ने आपका टारगेट दिया है कि आपका जो टारगेट है HbA1c ये बिलो 7 होना चाहिए तो वो बिलो 7 ही होना चाहिए। अगर आपका डॉक्टर ये कहता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है 120-80 या 110-70 के दरमियान होना चाहिए तो इसका मतलब है कि वो जो नंबर दिया है उसी नंबर में होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर के नंबर्स को आपने चेक कर लिया कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। इसके अलावा यूरिन अगर यूरिन में ब्लड आ रहा हो ठीक है या प्रोटीन आ रहा हो तो ये साइन है कि आपका किडनी जो है फेल्यूर की तरफ जा रहा है। उसके अलावा अगर आपके ब्लड में यूरिया ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जिसको हम कहते हैं यानी कि यूरिया बढ़ जाए क्रिएटिनिन बढ़ जाए तो ये इंडिकेटर होता है हो रहा होता है कि आपका किडनी जो है टुवर्ड्स फेल्यूर या खराबी की तरफ जा रहा है। तो ये वो टेस्ट हैं जो बहुत ज़रूरी है। एक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ पोटेशियम जिसको हम हाइपरकैलीमिया कहते हैं जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी किडनी डिजीज में ब्लड में इसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा मैंने एक बात की थी फंक्शन में कि ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो RBCs बना रहा होता है। गुर्दा मुतासर हो रहा है वो हार्मोन नहीं बन रहा है तो क्या होता है खून की कमी होती है जिसको एनीमिया कहते हैं। एक और चीज है जिसको GFR कहते हैं वो क्या है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये जब GFR 60 या उससे कम हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपका गुर्दा जो है वो ख़राबी की तरफ जा रहा है क्योंकि ये वो फिल्ट्रेशन रेट ये वो पैरामीटर है जो गुर्दे के फंक्शन को इंडिकेट करता है। अगर वो 60 से बिलो हो जाए तो ये इसका मतलब ये कि आपका गुर्दा जो है वो फेल्योर या ख़राबी की तरफ जा रहा है। तो ये वो अलामत हैं पफिनेस है जिस तरह मैंने जिक्र किया फैटीग है लेथर्जी है भूख का नहीं लगना है सांस का फूलना है बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं जो लैब के टेस्ट हैं इसकी बुनियाद पर आप ये फैसला करते हैं ये वो अलामत हैं जो अगर खुद आप महसूस करें या आपका डॉक्टर जो आपका मालिक जिसको आपका फैमिली फिजिशियन है वो जब देखता है तो आपको इंडिकेट करता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के जाने फर्दर टेस्ट के जाने फिर एक कंक्लूजन होता है कि यह कि आपको ये बीमारी है और आपको ये वो चीज़ें एहतियात भी करनी है लाइफस्टाइल को भी तब्दील करना है और कुछ मेडिसिन है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा इसे इस्तेमाल करनी है। सही अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जैसे नॉर्मली ये सब जो सब चीज़ें आपने बताई अलामतें तो ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है या इसमें से कुछ होती हैं से कुछ कुछ हो रही हैं तो मतलब बंदा डॉक्टर को दिखाए। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है जो मैंने अलामत साइंस सिम्टम्स लैब टेस्ट का जिक्र किया ये 100% तमाम पेशेंट्स में ऐसे ही होता हो अच्छा। लेकिन कुछ पेशेंट्स में कुछ अलामत है कुछ लोगों में कुछ है लेकिन अगर इनमें से कोई भी दो या तीन अलामत अच्छा। आप महसूस करें साइंस सिम्टम तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। और ख़ास तौर पर मैं कहूँ कि अगर आप डायबिटिक हैं आप हाइपरटेंसिव हैं आपको कार्डियक प्रॉब्लम है या कोई एग्जिस्टिंग किडनी डिजीज है तो आप या 60+
आपका एज है, अच्छा, तो आप ये ऐसी कोई भी चीज़ महसूस हो तो आप डॉक्टर से फौरी तौर पर रुजू करें ताकि मजीद इसकी एवेल्यूशन हो सके, इन्वेस्टिगेट हो सके कि किसी और वजह से तो नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ये अलामत सिर्फ किडनी डिजीज़ की वजह से हो रही है, लेकिन किडनी की बीमारी में भी ये अलामत मौजूद होती है। मौजूद होती हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी अक्सर ऐसा होता है पेन होता है किडनी में, तो मतलब ये नॉर्मली हुआ है ये सिर्फ कि मतलब पेन हो रहा है या कुछ है? तो अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं फिर बता रही हूँ आपको कि मुझे ना पेन किडनी में अक्सर होता है पेन, तो फिर ये होता है कि मैं डॉक्टर को बीच में दिखाया तो उन्होंने कहा आप पानी कम पीती हैं तो इस वजह से, तो पानी मैं पीना स्टार्ट करती हूँ तो पानी मतलब होता है ये कि पानी ज़्यादा पीऊँ तो फिर जाकर थोड़ा रिलीफ हो जाता है पेन। देखें एक कहते हैं कि व्हाट आर द वेज जी टू कीप योर किडनी हेल्दी, वो क्या तरीक़ेकार हैं जिससे आप अपने किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। उनमें से यकीनन एक चीज़ जो है ना स्टे हाइड्रेटेड, यानी पानी का इस्तेमाल। अच्छा, क्योंकि मैं अपने इस प्रोग्राम में मेरी कोशिश होती है कि बहुत ज़्यादा डायग्नोसिस ना बनाऊँ, वो आपके फैमिली फिजिशियन का काम है, और मैं हमारे प्रोग्राम का डिस्क्लेमर भी है, सिर्फ आगे के लिए। नॉर्मली पेन जो है ये लंबर रीजन जो पीछे का एरिया है यहाँ से ये पेन शुरू होता है, रेडिएट होकर आगे की तरफ आता है, फिर इसके अलावा यूरिन में बर्निंग मेंस्ट्रुएशन, जलन महसूस हो, ये वो अलामत हैं जो आम तौर पे किसी वजह से हो जाए। आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर दवा देता है और ठीक हो जाता है। सही, मतलब ये पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, जैसे गर्मियाँ आने वाली हैं, बिल्कुल जैसे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, तो, बहुत ज़्यादा जी, तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आप ये भी बात बताएँ कि किडनी को किस तरह हम लोग सेहतमंद रख सकते हैं? वही बात आ गई, व्हाट आर द वेज टू कीप योर किडनी हेल्थ। देखें एक चीज़ तो ये है कि आप ये समझ लें कि गुर्दे को फेल होने की वजह या किडनी फेलियोर या ESRD सो कहते हैं, एंड स्टेज रिनल डिजीज, इसकी दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर। मैं इस प्रोग्राम में तकरार के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हाई ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर, ये वो दो मेजर कॉज हैं किडनी फेलियोर के एंड स्टेज रिनल डिजीज़ का। जब मैंने आपको कैनेडियन फिगर भी दिया, 25.7% इंक्रीज़ हुआ है पिछले 10 सालों में डायलिसिस के पेशेंट। डायलिसिस में कौन जाता है? वो लोग जिनका गुर्दा 100% फेल हो चुका होता है, जिसको ESRD कहते हैं, एंड स्टेज रिनल डिजीज। तो इन दो चीज़ों को हेल्दी रहने, गुर्दे की सेहत के लिए ज़रूरी है कि आप अपने नंबर्स को बड़ा चेक करें, मॉनिटर करें, ब्लड प्रेशर को, शुगर को, हार्ट डिजीज़ को, एक्टिव रहने की कोशिश करें, अच्छा, स्टे हाइड्रेटेड जिसका आपने जिक्र किया, जी जी। वेट को, ओबिसिटी, वजन नहीं बढ़ना, अच्छा, चाहिए, अच्छा, अच्छा। जो आपका मतलूबा हाइट और एज के हिसाब से जो वेट है आपका, वो वेट वही होनी चाहिए जो डॉक्टर ने आपको दिया। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, हम देसी खास तौर पर करते हैं जी जी, सेल्फ मेडिकेशन, दर्द है गोली खा ली, सही सही, फलां कुछ है आपने वो फक्की खा ली, सही सही, कुछ हकीमी दवा, कुछ भी हुआ, सही, कोशिश ये की जाए कि जो OTC जिसको कहते हैं ओवर द काउंटर मेडिसिन, ओवर द काउंटर मेडिसिन को अपने आप को अवॉइड करें, क्योंकि इन दवाइयों का असर जो है गुर्दे पे, लीवर पे होता है, अच्छा। उसकी वजह है कि इसको स्क्रीट यहाँ से होना होता है, इस पर लोड हो रहा होता है। उसके अलावा आप एनुअल, सालाना चेक, एनुअल चेक आप अपना ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि जो आपका डॉक्टर है, कनाडा का एक अपना ख़ास स्टाइल है, जो पेशेंट 60 या 65 के या 55 का हो उसका एनुअल चेकअप होता है, अपना एनुअल चेकअप ज़रूर करवाएं, और अगर आपको अपना रिस्क फैक्टर मालूम है जी जी, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा फोकस रखें, बहुत ज़्यादा मोनिटर रखने की कोशिश करें। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, मैं हर अपने दूसरे प्रोग्राम में कहता हूँ कि सॉल्ट का इस्तेमाल, नमक का इस्तेमाल कम से कम रखें, अच्छा, शुगर, मैं S2 का फॉर्मूला कहता हूँ, शुगर और सॉल्ट कम से कम हो, स्मोकिंग अगर आप करते हैं ट्राई टू क्विट योर स्मोकिंग, स्मोकिंग को बंद करें, एंड लास्टली नो अल्कोहल। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने बताई, अगर आप इस पे चलते हैं, ये वो लाइफ स्टाइल है जिससे आप अपने आप को, अपने किडनी की सेहत को बेहतर रखोगे। अगर किडनी आपका हेल्दी है, क्योंकि ये केमिकल फैक्ट्री है, अगर किडनी हेल्दी है तो जिस्म के जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर काम करेंगे और आप एक हेल्दी लाइफ को लीड करोगे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमें जानना ज़रूरी है? देखें
बात घूम फिर कर वही आ रही जी। है रिस्क फैक्टर क्या है जी। जो मैं मेजर रिस्क फैक्टर की बात करूँ जी, उसमें यकीनन डायबिटीज़ है रिस्क फैक्टर। जिनको जो लोग डायबिटिक हैं उनको डायग्नोज हो गया है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, वो इंसुलिन पे हैं, ओरल मेडिकेशन पे हैं, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी में किसी चीज़ में भी है, लेकिन उनके डायबिटीज़ उनको इस्टेब्लिश हो गया। अच्छा। उनको अपने डायबिटिक नंबर को चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई शख्स हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर रहता है, ये रिस्क फैक्टर है। अच्छा। कोई शख्स अगर कार्डियक पेशेंट है, ओबीज है, यानी कि उसका वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर कोई शख्स पैदाइशी तौर पे पैदा हुआ है और किडनी डिफेक्ट के साथ पैदा हुआ है, तो इसके अलावा कोई और ऐसी डिजीज़ है जो क्रॉनिक डिजीज़ है किडनी का, से फॉर एग्जांपल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, आपने अक्सर सुना, जिसका आपने जिक्र भी किया था, यूटीआई, क्रॉनिक यूटीआई हो जी, जी। अगर किसी के गुर्दे में पथरी हो, स्टोन हो जी, तो ये वो सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। और अगेन जो एज है नॉर्मली 50, 55, 60 के बाद, ये सारे वो रिस्क फैक्टर हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है हमारा। मैं फिर यही कहूँगा कि अगर आप डायबिटिक हैं और हाइपरटेंसिव हैं तो रेस्पेक्ट करें अपने उन नंबर्स को, यानी जो आपके डॉक्टर ने दिया है कि आपका शुगर लेवल ये होना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, नीचे वाला जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है वो नॉर्मल होनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल रखते हो, इसको बहुत सारे लोग हैं ऐसे स्पोर्ट्समैन मौजूद हैं यहाँ पर जो डायबिटिक हैं और पिछले 10 साल से इंसुलिन पे हैं, एंड दे आर सो एक्टिव कि उन्होंने अपने नंबर्स को विद इन रेंज रखा है, उसमें रखा है जिसके डॉक्टर ने उससे कहा है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हम किस तरह रोक सकते हैं अपने, मतलब गुर्दे ख़राब होने से, मतलब ना हो, किस तरह बच सकते हैं? देखें, गुर्दे की जो प्रिवेंशन है जी, नॉर्मली अभी हमने वो वेज बताई, वो किस तरह हम अपने गुर्दे को हेल्दी रख सकते हैं, जिसका जिक्र किया मैंने, डाइट हो, सारा कुछ हो। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊँ जी, डाइट में आप अपने खाने में सोडियम का इस्तेमाल, एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोडियम, हम देसियों के साथ ये है कि जब तक खाने पे ऊपर से नमक को ना छिड़कें तो खाना हजम नहीं होता, नहीं हमारा होता, हजम तो वो टेस्ट ही डेवलप नहीं जी, होता जी। तो नमक का इस्तेमाल, सिट्रस फूड यानी कि किन्नू, ऑरेंजेस वगैरह, उसका अच्छा। इस्तेमाल, वो फल और सब्जियां जिसमें ऑक्सीलेट हो, लाइक चुकंदर है, पालक है, इसमें ऑक्सीलेट बहुत ज़्यादा है, इसका इस्तेमाल एहतियात से की जाए। अच्छा, एक और चीज़ है, हम लोग कैल्शियम का इस्तेमाल बहुत करते हैं जी जी, ठीक है, किसी को कैल्शियम डिफिशेंसी है या कैल्शियम का इस्तेमाल, ओटीसी खुद जी, से इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर कुछ कैल्शियम का सप्लीमेंट देता है जी, आप उसे इस्तेमाल करें। बाज़ औक़ात कैल्शियम सप्लीमेंट ऐसे मौजूद हैं जो किडनी स्टोन को डेवलप करता है, फॉर्म करता है, और किडनी स्टोन यकीनन इज़ अ रिस्क फैक्टर, तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि जो हम इन चीज़ों को देखें। प्रिवेंशन में वही सारी बातें हैं, शुगर को देखें, ब्लड प्रेशर को देखें, ओबेसिटी को देखें, डॉक्टर जब बुलाता आप उसको टाइम पे जाएं, एनुअल चेकअप कराएं, ओटीसी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, कोई भी चीज़ आप करते हैं अड़ोस पड़ोस के कहने पे आके मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, बल्कि प्रॉपरली डॉक्टर, कनाडा में अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों की सहूलत है, आप अपॉइंटमेंट लें, देर सवेर और बात है, लेकिन रिस्पेक्ट योर किडनी, क्योंकि किडनी जो है आपका क्या है, इज़ ए केमिकल फैक्ट्री, और ये आपके वेस्ट प्रोडक्ट को, ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन को ये जिस्म से बाहर निकालता है, अगर ये बाहर निकालना बंद कर दे तो ये ब्लड में एक्युमुलेट होना शुरू होता है, इसके गुजर असरात बहुत ज़्यादा है, और एंड में क्या होता है, डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट। सही कह रहे हैं। वैसे आप डॉक्टर साहब, एक बात ये बिल्कुल सही बोली आपने कि कैल्शियम का ये मेरे साथ भी हुआ था, कि मैंने आपको पेन बताया, तो मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने कैल्शियम लेना शुरू कर दी थी खुद से, सही है, अब वो खुद से लेना शुरू हुई, मुझे पेन मुझे स्टार्ट हो गया था, तो वो मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया तो उसमें बारी बारी स्टोन्स मतलब आए थे कि ये है, फिर मैंने सोचा कि ऐसी क्या चीज़ है जो मैंने, मतलब मुझे, मैं इस चीज़ खाती भी नहीं हूँ, एहतियात भी करती हूँ, तो मुझे पता चला, मैंने पढ़ा के क्या वो जो हाथ में परेशान हो गई थी, तो यही आया था कि कैल्शियम से भी होते हैं स्टोन्स जो है। देखिए, एक बात मैं बताऊँ, हम हेल्थ को टेकन एज ग्रांटेड लेते हैं, यार ये हेल्थ सेहत है ना, सही, कुछ नहीं यार, ये खरीद लो, वो जी खरीद जी लो। मैं हमेशा ये कहता हूँ, अपने मोबाइल फ़ोन में कोई ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा था, हम प्रोवाइडर को फोन करते हैं, सही, सही, भाई ये मसला हो गया, सेहत के साथ ये जुल्म क्यों है, जो अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, बेशक, तो इसकी हिफाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ज़रा भी कहीं आवाज़ आए ना, वार्निंग साइन, लाइट जलने लगे,
तो हमें वी शुड कंसल्ट आवर डॉक्टर। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बताएं कि हमारे लाइफ स्टाइल में मतलब कोई जिगर की सेहत से कोई है? हाँ सॉरी, गुर्दे की सेहत की, सही कह रही हैं आप। लाइफ स्टाइल का मैं बताऊं कि सारी बातें वही हैं जो अगर आप नेट करेंगे ना तो बहुत सारी बातें हैं। जी जी। अपने लाइफ स्टाइल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, हाइपरटेंसिव हैं, तो कंट्रोल योर डायबिटीज एंड कंट्रोल योर हाई ब्लड प्रेशर। अच्छा, सबसे लाइफ स्टाइल सबसे इम्पोर्टेंट मेन चीज है। कोई भी ऐसी खुराक, कोई भी ऐसी चीज जो आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाती हो, उसका एहतियात करें। अपने खाने में सॉल्ट का इस्तेमाल बंद करें। अच्छा, एक चीज है मैं बताता चलूं। जी जी। उसको कहते हैं डैश, DASH। ये क्या चीज है? ये एक अप्रोच है, इसका अच्छा। जो मुखफ्फफ है वो ये, डाइट्री अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। यानी किस तरह खुराक के जरिए हम अपने ब्लड प्रेशर के नंबर्स को विद इन रेंज रखें। अच्छा। इसको कहते हैं डैश डाइट, DASH। इसमें क्या होता है? डाइट, फलों का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल किस तरह करना है, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल कैसे करना है, लो फैट का इस्तेमाल कैसे करना है, पूरी इंशाल्लाह कभी हम डैश पे प्रोग्राम करेंगे कि डैश डाइट है क्या, इज गुड एंड इफेक्टिव फॉर हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज। तो बहुत जरूरी है कि आप डैश डाइट को फॉलो करें। और इसके अलावा नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, और फिजिकल एक्टिविटी को बेहतर करें, और अपने वेट के नंबर्स को भी चेक रखें। अच्छा। कि जिस तरह शुगर और ब्लड प्रेशर के नंबर्स को चेक करना है, यू शुड नो व्हाट इज योर टारगेट वेट। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप इसकी फिक्र शुरू कर दें, फिजिकल एक्टिविटी करें। वैसे सही कह रहे डॉक्टर साहब, वेट तो कहते नहीं बढ़ाना चाहिए, हर बीमारी की जड़ है ना यार, हर बेशुमार बीमारियों के तीन चार चीजें कहते हैं ना, स्मोकिंग को स्टॉप कर दें, ओबेसिटी को बंद कर दें, अपने लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी को ले आए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये लास्ट क्वेश्चन आपसे कि जैसे कि आप जानते हैं कि COVID-19 आजकल बहुत जोर है इस पर, तो इस पे गुर्दे के जो मरीज हैं उनके लिए कुछ खास हिदायत? जी निदा, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आजकल COVID-19 और कोरोना का सिलसिला है, तो ऐसे में वो तमाम लोग, ना के गुर्दे के मरीज जो पहले से कोमॉर्बिड फैक्टर्स हो, जिनमें जो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, गुर्दे की बीमारी है, कोई और बीमारी है जिसके लिए वो मेडिसिन लेते हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, उनके लिए बहुत लाजिम है कि इस सूरत हाल में जब करोना वायरस मौजूद है हमारे इर्द गिर्द, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर नहीं है सवाए दो तीन चीज़ों के। एक तो ये कि अगर कोई शख्स किडनी का पेशेंट है और वो मेडिसिन लेता है, तो वो मेडिसिन में किसी भी किस्म का कोई गैप ना लाए, उसको इस्तेमाल करता रहे। जो SOPs हैं सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से, क्राउड को अवॉइड करने के हवाले से, रिस्पायरेटरी हाइजीन के हवाले से, हैंड वॉश के हवाले से, मास्क वेयरिंग के हवाले से, इन सारी चीज़ों को वो फॉलो करें। और जो पेशेंट डायलिसिस में हैं उनके लिए ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग डायलिसिस में हैं, अगर वो कोई चीज़, एक तो ये डायलिसिस को मिस ना करें, कुछ भी हो, नंबर वन, जो मेडिसिंस हैं डायलिसिस के दौरान और बाद उसका इस्तेमाल करें, और अगर इसके बाद भी, डायलिसिस के बाद और दौरान में अगर कोई ऐसे अलामत फ्लू टाइप महसूस करें, तो आप अपने डॉक्टर से या डायलिसिस सेंटर से फौरी तौर पर रुजू करें। और ख़ास तौर पे जो रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं जिनके गुर्दा की तब्दीली हुई है, वो लोग भी अपने आप को ऐसे कंडीशंस में इंडल्ज करने की कोशिश ना करें जिसमें इस बात का इम्कान हो कि वायरस उनको लग सकता है। यानी कि SOPs को फॉलो करें, जो मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उसको फॉलो करें। यही वो कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं किडनी पेशेंट्स के लिए COVID-19 के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा वर्ल्ड किडनी डे पे था जैसा कि आप जानते हैं, और आप लोगों को सबको बहुत पसंद आया होगा। आप लोगों के फीडबैक्स माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी हुई है। और हमारे साथ ऐसे ही आप लोग रहें, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अब तक इजाज़त दीजिए निदा खान को, अल्लाह हाफिज़।